अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मरियम और आप देख रहे हो कुकिंग विद फैमिली। आज मैं बनाने जा रही हूँ कंडेंस मिल्क, बिकू बाज़ार जैसा जो बाज़ार में मिलता है, जिसको हम कुमेल भी कहते हैं। बहुत मज़ेदार बनेगा ये, आप इसको ज़रूर ट्राई करेगा। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 कप चीनी, ठीक है, और ये जो बड़ा वाला मेजिंग कप होता है ना, बिल्कुल 1 कप मैंने इसे ही नाप के लिया है। दूध, नॉर्मल जो दूध होता है वो लिए। अब इसके अंदर चीनी को हल्के से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे ये जो 1 कप है सूखा दूध, ये डाल देंगे। कोई से भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। देखें, हमने इसको मिला लेते हैं अच्छी तरीके से, इसके अंदर लम्प नहीं पड़ने चाहिए। अभी देखें, अभी मैंने इसको गैस पे नहीं रखना, हमें जो सूखा दूध लेना है वो अच्छी ब्रांड का लेना है, ठीक है, भले आप कोई से भी ले सकते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, देखें लम्स इतने से भी इसमें नहीं है। आप देखें बिल्कुल इसके लम्स खत्म हो गए, मिक्स कर लिया हमने अच्छी तरीके से। अब इसको रख देंगे हम गैस। देखें हमारे दूध में बॉयल आ गई है, अच्छी तरीके से पक रहा है ये। हमने इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना क्योंकि बस हम इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, कि ये जो जब जैसे ठंडा हो जाता है उसके बाद भी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। बस हमें इसको 4 से 5 मिनट तक पकाना है अच्छी तरीके से। चमचा नहीं रोकेंगे, देखें बॉयल आ रहा है दूध में, चूल्हा हल्का कर देंगे, ठीक है, चूल्हे मैंने हल्का कर दिया है। अब ये इसमें ही पकता रहेगा, ये ज़रूर ट्राई करेगा आप। ये देखें अच्छी तरीके से पकाएंगे, ये तैयार हो गया। बस ये हमने चमचा डाला, चमचे पे ऐसे ही आएगा, इसका मतलब ये रेडी है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने चूल्हा बंद करने के बाद इसमें जो हमने ऐड करना है, बिल्कुल ये 2-3 ड्रॉप डालने हैं हमने घी। घी मैंने क्यों डाला है कि इसके अंदर शाइन आ जाएगी, बाज़ार में हमने देखा ना शाइन आ जाती है, इस वजह से। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं और अब डिश आउट करते हैं, ठीक है। देखें अभी ये आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा पतला है, लेकिन अब ये गाढ़ा हो ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। देखें कितने मज़ेदार सा ये हमारा बन गया है कंडेंस मिल्क, आप इसको ज़रूर ट्राई करेगा और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।